अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो आज अपने यूनिवर्सिटी फैलो से मिलाएंगे, साथ ही साथ हम चमन आइसक्रीम इंडस्ट्री को विजिट करने जा रहे हैं। चमन आइसक्रीम कैसे बनती है वो भी आपको दिखाएंगे। सो सबसे पहले आप मेरी होल क्लास से मिल लीजिए। तो ये सारे जी डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो डेयरी की BS डेयरी की मेरी डिग्री थी। तो जी सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर की लास्ट मेमरीज और लास्ट टूर है। तो सबसे पहले जी इनसे मिल लीजिए, इन्हें मैंने टैने इनके साथ 4 साल गुजारे हैं जी, बहुत ही अच्छे गुजरे थे। सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे थे और वक्त इतनी जल्दी गुजरा कि पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जनाब हम पहुंच चुके हैं चमन आइसक्रीम इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया। उसके बाद जनाब उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपने चीज़ों को किस तरह एक्सप्लोर करना है, किस तरह हमें चीज़ों को सीखना है, हम बिज़नेस कैसे करें। उन्होंने अपनी मुकम्मल हिस्ट्री शेयर की। तो उसके बाद जनाब हमें कैप शैप मास्क वगैरह से खुद को कवर कर लिया। तो उसके बाद जनाब हम इंडस्ट्री के अंदर चले गए। तो यहाँ पर इनका मुकम्मल हमने यूनिट देखा, कैसे इनकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, इनके सारे फ्लेवर्स हमने चेक किए, तो बहुत ही यमी थे। तो इन्होंने कहा जी जितना मर्जी आप रच के खाएं, चीज़ों को देखें। तो उसके बाद जनाब ये कोल्ड स्टोरेज है, -35 यहाँ टेम्परेचर था, बहुत ठंड लग रही थी। उसके बाद जनाब हम आ गए वापस, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुआ, सेशन हुआ कि कैसा आपको लगा। तो उसके बाद जनाब फिर टाइम हो जाता है रिफ़्रेशमेंट का, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर जी हमने रिफ़्रेशमेंट की, उसके बाद जनाब सेल्फी सेशन शुरू हुआ। उसके बाद आइसक्रीम दोबारा फिर आ गई, तीसरी दफ़ा सारे स्टूडेंट्स ने आइसक्रीम खाई। तो उसके बाद जनाब हम वापस आ गए कैंपस, बहुत ही मज़े का ये टूर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।